हेलो फ्रेंड्स, वापस गुड मॉर्निंग करने से पहले हम दोनों आपसे कुछ बातें करना चाहते आने वाले शेड्यूल के लिए। उसके बाद हम हमारा गुड मॉर्निंग शुरू करेंगे और थोड़ी बहुत मॉर्निंग की मस्ती है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले पापा की और उनके नए जीवन साथी की कल सुबह हम उनका फुलहार करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहीं से जर्नी उनकी शुरू होगी और घर पे हम उनको लाएंगे और उसके बाद आप सबके साथ मिलकर खुशी से बातें करेंगे, बैठेंगे। आपके मन में अगर उनके बात सुनकर कोई भी सवाल जवाब रहा तो वो खुद आपसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। और किंजल, उनका नेचर तुम्हें खास कैसा लगा? नेचर बहुत अच्छा है हमारा सबका, इतना मतलब अभी से इतना सोचते हैं ना, लगता है कि नहीं हमारा फैमिली की मतलब मेंबर है, ऐसा लगता है। हाँ, तो खास मैं आज सामने इसलिए आया हूँ कि काफी लोगों ने पूछा कि उनकी क्या तकलीफ थी। जब किसी का भी रिलेशन ब्रेकअप होता है, तकलीफ होती है, तो कहीं ना कहीं ऐसे रीजन होते हैं जो काफी ऐसे कुदरती होते हैं और काफी उनके स्वभाव से होते हैं। तो उनका पास जो उनका गुजरा वो उनकी मर्जी होगी अगर वो बताना चाहे, क्योंकि मैं वो नहीं बताना चाहता आपसे। क्योंकि जब हम सब घुल मिल जाएंगे तब हम बात उनसे बोलेंगे। अगर उन्होंने चाहा, उनका स्वभाव जितना जानते हैं उतना हम सबको बहुत ही बढ़िया लगा है। उनकी ख्वाहिश एक ही है कि फैमिली चाहिए और प्यार चाहिए उसको। हाँ, क्योंकि जब से छोटे थे ना तब से उसके माँ बाप नहीं थे और कोई नहीं थे, उसके बाद उसके बेटा भी नहीं था और बेटी भी नहीं थी, वो अकेले पहले से थे, तो उसको भी फैमिली चाहिए और प्यार चाहिए, सहारा चाहिए उसको। और जो पहले से दुखी होते हैं उनको हर एक प्रॉब्लम से लड़ना आता है, सॉल्यूशन करना आता है और खुशी ढूंढना भी उनको सबसे ज्यादा आता है। उसने बुरा टाइम निकला है इसलिए उसको सब पता होता है। सारी सिचुएशन से लड़ के अपने आप को बचाकर समाज से रखा है, तब जाकर एक लेडीज को सेफ रह पाती है। वरना बहुत आजकल तकलीफें बढ़ती जाती है। अपने आप को सेफ रखना और फिर भी घर चलाना और अच्छी छाप रखना वो बहुत बड़ी बात है। उनका ऐसा ही कुछ अच्छा स्वभाव है इसलिए हम सबको अच्छा लगा है। फिर भगवान की आगे की मर्जी है, जो उनका स्वभाव हमारा स्वभाव जिस तरह आगे मैच होता रहेगा उतना हंसते खेलते आपसे मस्ती करते रहेंगे। और एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने एक गड्डी पूरी चोपड़ा बना के रखा है और उनको इतना सॉन्ग भजन का उतना बहुत ज्यादा प्रिय है। ऐसा नहीं कि हम ब्लॉग के लिए उनको बोला नहीं, लेकिन उसने बताया था ना, उसने बताया था कि भाई मुझे जहाँ भी जाती हूँ ना तो वहाँ मैं लेके जाती हूँ बुक्स वगैरह, भजन की पूरी भजन की बुक है। हाँ, तो बोले भगवान से जितना नाता हम रखेंगे उतना ही हमारा अच्छा होगा। जहाँ पर भी जाते हैं भगवान को पहले रखते हैं, उसके बाद वो खुद अप्लाई करते हैं कोई भी काम में। तो उनके जहाँ पर था अकेली जिंदगी उनकी कट रही थी, तब लोगों का टिफिन बनाकर सेवा कर रहे थे। उनकी पिछली जिंदगी थी उसमें भी जितना तकलीफ उसने सहन करना था कर लिया था, लेकिन फिर भी एक डार्कनेस जैसी जिंदगी जी रहे थे। और उसके बाद मेरे पापा और उनकी मुलाकात हो गई, तो उसके बाद धीरे 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 उनको जिंदगी में एक अच्छा दिन देखने को मिला। और उसने बताया कि मैं 20 साल से कोई शादी कोई प्रसंग में कहीं पर भी नहीं गई, कहीं पर कुछ अच्छे कपड़े पहनकर भी मैं कहीं पर नहीं जा पाई। तो अभी कोई टेंशन नहीं है, खुशियों का दिन उनके लाइफ में भी आने वाला है। उनकी एक फैमिली चाहिए थी जो हमें बहुत प्यार करे। कल फाइनली तो फुल हर है तो हम सब जाने वाले हैं। हाँ, तो हमारी गायत्री मंदिर है, वहाँ गायत्री में छोटा सा हमने फुल हार जैसा रखा है। विधि तो विधि में हम सब आपसे रूबरू करवाएंगे, जाएंगे और बस वही छोटी विधि करके हम उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे घर पे। और आपको बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि पिछले वीडियो में आप सब लोगों ने इतनी ज्यादा कमेंट बहुत अच्छी और इतने ज्यादा फोन कॉल्स, इतने ज्यादा पूरे दिन कॉल ही आया था आज, पूरे दिन बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा कॉल और सबने बोला कि दर्शक भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, पापा का इतना इतना अच्छे इसके बारे में सोचा तो अच्छी बात है। तो बहुत मतलब अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज्यादा लोग कॉल करते हैं, दुआएं देते हैं। मुझे इतना था कि किंजल जब अकेली अकेली घर पे बोर होती है या फिर उनके काम में कोई मदद करने वाला, उनके साथ कुछ बातें शेयर करने वाला, ऐसा नहीं कि एक मेंबर आता है तो खाली पापा का ही जीवन भरता है,
पूरे घर का सबका जीवन निखर जाता है। किंजल जो है तो उसका किचन में थोड़ी बहुत हेल्प, मस्ती, बातें, उसका टाइम भी हमारा निकल जाता है, पता भी नहीं। और दोनों बेटियां है तो बाका प्यार मिलेगा, जो वो तरस रही थी रूही तो उनको खास मिलेगा। जब भी याद करती है ना मम्मी को तो रोने लगती है। हाँ अभी भी तो रूही बहुत याद करती है। तो माँ ने बोला कि मुझे सबसे ज्यादा मुझे मेरा बेटा प्रिय है, मेरे बारे में बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि मैं तुम्हें मालिश कर दूंगा सर पे और बहुत अच्छे से रखूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा नहीं, आप जितना प्यार बरसाना चाहते हो बरसा सकते हो। जिन माँ ने आज तक सिर्फ और सिर्फ दुखी देखा है उनके जीवन में जब खुशी आती है तब वो अपने आप से बहुत खुश होती है। दूसरी बात, मेरे मौसाल पक्ष जो सब लोग वीडियो देख रहे हैं, सबको तो मैं कॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे अस्मिता मासी, भावना मासी, हंसा मासी, मेरे घनश्याम मामा, तो ये माँ ने ये भी कहा है कि वो भी आपके घनश्याम मामा वो भी मेरे भाई है, और आपकी तीनों जो मासी है वो मेरी ही बहन, बड़ी बहन है, वही समझ के मुझे उनको भी अपना लेना है, क्योंकि उनके अंदर झंकना प्यार इतना अंदर भरा है कि वो सबको अपना बनाना चाहते हैं। तो दिल से जब उनको आप देखेगा, रूबरू कर होगा, तब आपको पता चलेगा, क्योंकि मेरे मौसाल पक्ष तो मेरे ही है, क्योंकि अस्मिता मासी, भावना मासी, हंसा मासी ने मुझे मेरी माँ थी उनसे कहीं ज़्यादा प्यार किया है। तो मैं उनसे कहीं कभी भी रूठूंगा नहीं, उनसे कभी ऐसा नहीं कि मैं उनसे दूर रहूँगा, उनके पास भी मैं उतना ही रहूँगा और उतना ही प्यार वो मुझसे मुझे देते रहेंगे। लेकिन ये माँ एक ऐसी है जो पास आकर हमें प्यार देगी, अपना बना के रखेगी। तो बस ऐसा है, कल उनका बहुत ही बड़ा दिन है, मेरे पापा का दिन है, तो हम सब लोग शामिल होंगे। हालांकि इस जो प्रसंग है उसमें हमने बाकी सब गेस्ट को, भाई को, सबको नहीं बुलाया। उसके पीछे का रीजन है, अभी दिवाली नजदीक आ रही है, पहला सबको घर पे काम, और दूसरा अभी दिवाली में सब लोग आने वाले हैं, इसलिए अभी छोटा सा हमने अरुण बापा बाबू सब लोग आएंगे उनकी तरफ से एक दो लोग, बस बहुत छोटा सा हमने रखा है फुलहार का ये, क्योंकि आगे सब लोगों ने बातचीत कर ली है, फाइनल कर लिया है, और आने वाले समय में जब उनकी फैमिली को हम इनवाइट करेंगे, खाना पीना होगा, तब सब लोग वापस मिलने वाले हैं। तो इस फंक्शन को बस इतना छोटा सा बनाने वाले हैं, इसलिए ज्यादा आपको लगेगा कि क्यों कोई नहीं आया, इसलिए नहीं आया क्योंकि अब हमने ये सा सोचा है कि थोड़ा बहुत इतना में हो जाए, उसके बाद हम सबके साथ मिलेंगे, खुशियां बांटेंगे, मस्ती करेंगे, तो बस यही चाहते हैं। और कल की सुबह एक नई सुबह होगी जो हमारे घर पे एक नई रौनक लेके आएगी, एक अच्छा दिन होगा हम सबके लिए, उनके लिए, आपके लिए, जो आपको कुछ नया जानने को मिलेगा, उनसे कई नई प्रेरणा लोगे, उनकी बातों से, उनके स्वभाव से घर एक बार और हरा भरा हो जाएगा, और सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए सब अच्छा हो रहा है। सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, और गुलाब काका मिलवाएंगे, हाँ वो तैरने जा रहे हैं, तो कल का ब्लॉग खास देखेगा। कल उनकी विधि से पूरा ब्लॉग हम शुरू करेंगे, और उनकी एंट्री तक हम सब घर पे घुल मिल जाए, तब तक कल का ब्लॉग हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो खास बने रहिएगा। बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करके आज की सुबह पर वापस चले जाते हैं, और सुबह से लेकर जो भी 5-6 मिनट के मस्ती है, हमारे घर पे जो ऑर्डरिंग है, जो ऑर्डर सबका, आप सबका जो निकल रहा है वो, उसके बारे में बात की है, तो खास देख लीजिए, और वापस कल आप सबको शामिल करेंगे, और मस्ती से, भगवान की दया से, उस माँ का हम घर पे वेलकम करेंगे, ठीक है। तो चलिए किंजल मॉर्निंग पे चलते हैं, मॉर्निंग पे चलते, चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, मस्त सुबह हो चुकी है, और दशहरा चला, सब लोग अभी थोड़ी नींद में, थोड़े जाग में, थोड़ा ऐसे उठ उठ के रेडी हो रहे हैं। हम तो जल्दी उठ के रेडी हो गए थे, बकरी बकरी खाली है एक तरफ, आप सबका मतलब घी इतना जा रहा है ना, क्या पूछे बात, बहुत सारा बहुत है अभी तो, और घी आ गया है एक एक महीने से सबको वेटिंग में, इस बार करवाया, जहाँ पर हमसे लेते थे ना वहीं से आता रहता था, जितना रेडी होके उतना ही जाता रहता था, बहुत ज्यादा ऑर्डर थे। ठंडी शुरू होगी ना तब बहुत सारा आएगा, ठंडी में सब स्वीट बनाते हैं, अड़दिया बनाते हैं, अपने कोई उतना घी चाहिएगा। दूसरा, मैंने कल जिस तरह पूरा वीडियो में बताया कि हमारे घर पे एक नए मेंबर आने वाले हैं, उनका स्वागत करेंगे, तो उनको हम दिखाएंगे, आप सबके साथ मिलवाएंगे,
और अभी आगे उनके साथ हम सब की भी आई थी ना, क्योंकि जल्दी प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट नहीं हूँ दूसरी। अच्छा, माँ हमारे घर आएंगे, रहेंगे, हर रोज उनका स्वभाव से आपसे रूबरू करवाएंगे, तब आपको पता चलेगा उनका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, किस तरह वो अपने आप को एक भक्ति भाव से निहारते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है। चलिए अंदर, यहाँ पर अभी घी सारा रेडी हो रहा है, ठीक है, तो मैं चलता हूँ अभी ऑफिस में, बहुत ज़्यादा मस्त घी निकल रहा है और यहाँ पर फ्लावर की बौछार हो गई है। आइए चलते हैं। बाप रे क्या बात है, यहाँ पर काचरी का लोड पूरा है, रेडी है, और यहाँ पर घी इस तरह हमारा रेडी होता जा रहा है, और यहाँ पर भी देखो बौना के ऊपर बौना पर पूरी बौनी भरी है 5 किलो की, तो ये भी हम अभी आप सबको भेज रहे हैं, कणीदार घी है ना, गिर गाय का प्योर सोना, लगड़ी बोल सकते आप इनको, क्योंकि ये खाने से इंसान की तबीयत बहुत ही बढ़िया रहती है, रियल घी। तो भाई बहुत ही बढ़िया मस्त घी रेडी करते जा रहे हैं, और इस तरह डबल पैकिंग करते हैं, थैली उसके ऊपर बोतल, ताकि कोई घी को प्रॉब्लम ना हो। घी आज से निकलना हो जाएगा शुरू, और जिस जिसका ऑर्डर है, नंबर है, उस नंबर के हिसाब से जिस किसी को पेशेंट है उनको थोड़ा अर्जेंट हम भेजेंगे, बाकी सबका नंबर के हिसाब से अभी हम घी भेजना शुरू कर देंगे, ठीक है। जिस किसी को चाहिए इस नंबर के ऊपर अभी से आप बुक करवाइएगा, तभी 15-20 दिन के बाद आपका नंबर लगेगा, ठीक। ये है जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण घी है। मग देखो क्लीन करके हम लेके आए है, ये देशी मग खाना चाहिए, जीणा मग, वो बड़ा मग जो आता है ना वो नहीं, ये जीणा मग, ये अपना देशी मग है। तो इस तरह घी सब रेडी है, कठोर भी सारा रेडी है, मसाला में सिर्फ और सिर्फ एक हल्दी हमारे पास बची है, जो हमने बहुत ज़्यादा मंगवाई थी, स्टोर करके रखी थी, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा ऑर्डर रहता है, ठीक है। तो चलिए इस तरह आप सबका पैकिंग हो गया है, जिस किसी को ऑर्डर देना है एडवांस दीजिएगा, और बाकी लोग बहुत पूछ रहे हैं कि कचौरी और अयोध्या कब रेडी होगा। कचौरी अयोध्या में विद इन 20 या 25 दिन के बाद वो रेडी होगा, क्योंकि अभी ठंडी नहीं है, और जब ठंडी ना हो तब वो खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जब अच्छी ठंडी पड़े तब से उसका सेवन आपको करना चाहिए। तो बस ये घी वगैरह सब आपको भेज रहे, और जिसकी मैं बात कर रहा था नया मेंबर, तो वो कल ही हमारे घर पे उनकी एंट्री होगी, तो हम आपको दिखाएंगे, और आने वाले समय में उनके साथ हमारे आगे आने वाले पल, आने वाली ज़िंदगी उनके साथ हंसती खेलती रहे, मस्त रहे, वैसा हम चाहते हैं। आप भी आशीर्वाद दीजिएगा। तो बस किंजल यहाँ पर रेडी है, तो किंजल कल लापसी वापसी करके धमाकेदार एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ मम्मी की, हाँ नई मम्मी की एंट्री होने वाली है, तो ऐसा है, बस इसी तरह साथ ये सारी बात शेयर कर रहे हैं। काफी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है, काफी लोगों को थोड़ा तकलीफ हुआ है, लेकिन ये जो भगवान ने तय किया होता है वही होता है, पापा का सोचा है हमने इसलिए, हाँ कि उनका अच्छा हो, आने वाले समय में खुश रहे, मस्त रहे, इसीलिए। और यहाँ पर फोन बजता रहता है पूरा दिन ऑर्डर का, आइए उठा लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि उनके फोटोग्राफ्स हो या कुछ हो तो आप शो कीजिए, लेकिन मैं चाहता हूँ जब वो आए तभी आप देखें, रूबरू हो, बातें हो, मस्ती हो, और हमारे घर पे खुशियाँ और बढ़े, ठीक है। जिस तरह एक छोटे बच्चे का जन्म होता है और घर पे सब लोग खुश होते हैं, हमारी सिचुएशन भी वही है कि भाई कोई नया मेंबर, ऐसा मेंबर जो खुशियाँ देने आ रहा है हमारे घर पे, और वो खुशियाँ हम सब के लिए है, हम सब के लिए, हम सब की खुशियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, मस्ती होगी, घर पे एक सूनापन था वो एक अभी भर जाएगा। खास मेरे पापा के लिए हमने ये सब सोचा है, किया है, और हमारी फैमिली में सब खुशियाँ पहले जैसे बरकरार रहे, ठीक है। इनकी जगह तो आई थिंक सो कोई नहीं ले सकता, उसने भी बोला कि भाई वो आप पहले, उनकी एक समझदारी आपको पता चले। स्वभाव हारो से, रेणी केणी हारी से, बोलो चलो हारो से। 1 किलो का पैकिंग, और यहाँ पे पैकिंग करते करते यहाँ पे इस तरह मग भरे जा रहे हैं। रात को भिगो कर सुबह सुबह खाने का शुरू कर दिया है, तो ये बहुत ही बढ़िया है, उसमें चना भी डाल रहे हैं, चना, और सुबह सुबह खाओ ना तो आपकी हेल्थ तगड़ी रहे। मैं बोलता हूँ बाहर का बंद करके सुबह सुबह ये खाओ, फणगा वेला मग, काका कैमरे गाठिया बंद, गाठिया ने बंद, हाथा वाले बद्दी वस्तु बंद, पाव ने उ बदु खाई ने, अरे खवाय खवाय नहीं तो चले जे आ खाऊ ने, हां ओए कणो मग सेणा, तो ये सुबह सुबह आप भिगो के खाओ भाई, मजा आ जाए। देखो ये अपना है देशी मग,
फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और खास मेरे मॉम को कल दिया करके हम जो भी काम करेंगे वो सब काम करेंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी चाहिए, क्योंकि उनको भी पता है कि ये संसार भोगने के लिए हम और वो नहीं कर रहे, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए अभी आगे का जीवन चलेगा, इसीलिए तो बस सबका आशीर्वाद और सबकी खुशी से जुड़ते रहेंगे। और कल सुबह जब हम जा रहे हैं, मेरे पापा और उस बहन, उनका नाम हालांकि शारदा बहन है, और उनको देखने के लिए बहुत सारे लोगों ने बोला है, लेकिन कल अब देरी ज़्यादा नहीं है, कल सुबह हम जाने वाले हैं, तो कल सुबह का ब्लॉग से फुल हार जो करने वाले हैं तो वहीं पर भी आप सबको मिलवाएंगे, तो खास कल का ब्लॉग देखिएगा। और उनके बाद हमारे जो घर की रौनक चेंज होगी, कुछ नया होगा, और हर रोज़ आपको कुछ नई नई बातें, क्योंकि किंजल जो अकेली थी वो अकेलापन निकल जाएगा, दो लोगों की चर्चा, मस्ती, धमाल, वो सब आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो हम कोई फैमिली अलग नहीं हो रहे, मेरे मौसाड़ पक्ष में ये सब हम साथ में ही है, हमारा एक फैमिली है, जिस तरह आप हो, नाता मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि ब्लड हो उनका ही हो, नाता जो एक दूसरे का दिल से अच्छा सोच रहे उनका नाता बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, और वही आखिरी वक्त में तकलीफ में वही सबसे ज़्यादा साथ देता है। तो बस आप सब, हम सब साथ में जुड़े हैं, आने वाले सिचुएशन से हम सब लोग साथ में रहेंगे, मस्ती करते रहेंगे, और बस कल का दिन देखते हैं कैसा जाता है, किस तरह हम उनका घर पे वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, तो सब आपको कल देखने को मिल जाएगा। बस आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और आज सबका ऑर्डर निकल गया, वापस कल उस गायत्री मंदिर से विधि से हम ब्लॉग शुरू करेंगे। तो बस आज का ब्लॉग है यहीं पे एंड करते हैं, कल वापस मिलते हैं, तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।